कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में करीब 33 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस पेंडेमिक को हुए अभी करीब 10 साल ही हुए हैं। साल है 2030। भारत को अपने इंटेलिजेंस से पता चलता है कि चाइना दुनिया भर में फिर से तबाही फैलाने के लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहा है और इस बार उसका टारगेट दुनिया भर के यूथ हैं। यह बात पता चलने के बाद भारत दुनिया भर के देशों से कांटेक्ट करता है और सबको चाइना के इस प्लान के बारे में बताता है। पर दिक्कत यह कि भारत के पास जो जानकारी है वह अधूरी है। भारत को यह नहीं पता कि चाइना इस बार ऐसा क्या करेगा। चाइना के शंघाई सिटी एयरपोर्ट से दिल्ली आने वाली एक प्लेन में चांग और लीन नाम के एक लड़का और लड़की चाइना से दिल्ली भारत आ रहे हैं। उनके पास एक सुनहरे रंग का ब्रीफकेस है। वह दिल्ली एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर पहाड़गंज जाते हैं और वहीं के एक होटल में स्टे करते हैं। इधर भारत अपने इंटेलिजेंस से कुछ लोगों को भेष बदलकर चाइना उनके प्लान को पता करने के लिए भेजता है। भारत के साथ ही कुछ और देशों के इंटेलिजेंस भी चाइना के मंसूबे को पता करने के लिए भारत का साथ देते हैं और वो सब भी चाइना पहुंचते हैं। दिल्ली के पहाड़गंज में रहने वाला वीर अपने चार दोस्त रवि, भानु, जोया और पलक के साथ क्लब जाने का प्लान बनाता है। वो पांचों अपने कार से पहाड़गंज के ही एक क्लब में पहुंचते हैं। क्लब के अंदर तेज गाने बज रहे हैं। चारों तरफ लोग नाच कूद रहे हैं। दारू और ड्रग्स के नशे में चूर लड़के और लड़कियों के होश का ठिकाना नहीं है। क्लब के अंदर कुछ लोग युवाओं को ड्रग्स बेच रहे हैं। वह पैसे देकर ड्रग्स को खरीद रहे हैं और नशे में दुत हो रहे हैं। वीर के दोस्तों में भी भानु को ड्रग्स लेने की आदत है, पर उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह ड्रग्स को खरीद सके। वीर और उसके दोस्त भी दारू पीने के बाद नाचने कूदने लगते हैं। नाचते नाचते भानु एक लड़की से टकराता है जिसके पास ड्रग्स होता है। वह भानु को ड्रग्स लेने के लिए पूछती है। भानु अपने दोस्तों को छोड़कर उस लड़की के साथ चला जाता है। वह लड़की भानु को एक नीले रंग का पैकेट देती है जिसमें ड्रग्स होता है। भानु ने पहले कभी ऐसी ड्रग नहीं देखी होती है। वह तुरंत उस ड्रग को अपने मुंह में रखकर निगल लेता है और उस लड़की से और ड्रग अपने दोस्तों के लिए मांगता है। वह लड़की भानु को और ड्रग्स देती है और फिर वहां से चली जाती है। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि चाइना से आई हुई वही लड़की लीन होती है। वह लड़की और बहुत से लोगों को वह ड्रग्स देती हैं। वीर और उसके दोस्त रात के 1 बजे के बाद क्लब से निकल जाते हैं, पर उनके साथ भानु नहीं होता है। वीर और उसके दोस्तों को लगता है कि वह पहले ही घर चला गया क्योंकि उसका घर क्लब से काफी करीब होता है। फोन करने पर भानु उनका फोन भी नहीं उठाता है, तो फिर वह सब गाड़ी में बैठकर अपने घर चले जाते हैं। वीर सभी को उतारने के बाद करीब 2 बजे अपने घर पहुंचता है। घर पर पहुंचते पहुंचते उसका फोन ऑफ हो जाता है। नशे में होने के कारण बेड पर लेटते ही वह सो जाता है। अगले दिन जब वीर की आंख खुलती है तब वह सबसे पहले अपने फोन को देखता है। फोन को ऑफ देखकर वह फोन चार्जिंग पर लगाकर अपने लिए कॉफी बनाने किचन में जाता है। वह कॉफी बना ही रहा होता है कि उसको बाहर सड़क पर एक कार के जोर से टकराने की आवाज आती है। वह किचन की खिड़की से देखता है तो वो एक कार खंभे से टकराई हुई होती है। सड़क पर चारों तरफ सन्नाटा होता है। वैसे वीर के घर के पास का एरिया हमेशा लोगों के भीड़ भाड़ से भरा होता है, पर आज रोड पर इतना सन्नाटा देखकर वीर को कुछ अजीब लगता है। वीर कॉफी लेकर तुरंत नीचे कार के पास जाता है। कार का गेट खुला हुआ होता है और कार में कोई नहीं होता है। उसके बाद वीर अपने आस पड़ोस में देखता है, पर उसको वहां भी कोई नहीं दिखता है। वीर को यह सब बहुत अजीब लगता है। वह अपने घर में आकर दरवाजा बंद कर लेता है और फोन को चार्जिंग से निकालकर ऑन करता है। उसके फोन पर उसके दोस्तों और जानने वालों के बहुत सारे मिस कॉल और मैसेजेस पड़े होते हैं। तभी उसके फोन पर रवि का फोन आता है। वह बहुत डरा हुआ होता है। वीर के फोन उठाते ही वह वीर से कहता है, भाई तो ठीक तो है? रवि को ऐसे डरा देख वीर उससे कहता है, भाई मुझे क्या हुआ है, मैं तो ठीक ही हूं, ये बता तू क्यों इतना डरा हुआ है। तभी वीर को दरवाजे के खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। वीर रवि को होल्ड करने के लिए कहकर दरवाजा खोलने के लिए नीचे जाता है। इधर रवि फोन पर ही कुछ चिल्ला रहा होता है। दरवाजे के खटखटाहट की आवाज बिना रुके लगातार हो रही होती है। वीर इससे परेशान होकर जोर से बोलता है, अरे रुको, दरवाजा खोल रहा हूं यार। वीर के ऐसा बोलने पर भी कोई लगातार दरवाजे को खटखटाए जा रहा होता है। वीर को यह सब बहुत अजीब लगता है, जिसकी वजह से वह दरवाजे को खोलने से पहले खिड़की से दरवाजे की तरफ झकता है। वीर देखता है कि उसके दरवाजे को कोई नॉक नहीं कर रहा होता,
बल्कि एक आदमी अपने सर से उसके दरवाजे पर मार रहा होता है। उस आदमी के पूरे मुंह पर खून लगा होता है, उसका एक पैर पीछे होता है और उसका जबड़ा उसके मुंह से बाहर होता है। उस आदमी को देखकर वीर बहुत डर जाता है और वहां से भागकर अपने कमरे में आकर कमरे को बंद कर लेता है। वीर एकदम सदमे में रहता है, तभी उसको फोन में से रवि की आवाज सुनाई देती है। वीर जैसे ही फोन कान में लगाता है, रवि जोर से चिल्लाकर कहता है, वीर घर से बाहर मत निकलना, यहाँ के सारे लोग पता नहीं कैसे ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं।